वेलकम टू माय चैनल फॉर्स। आज हम बात करेंगे आईएम एनयू के एक और एपिसोड के बारे में, मतलब इस वीक में जितनी भी मूवी से रिलेटेड डिटेल है, हम डेट्स आई हैं उस पर हम बात करेंगे। तो लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन में इनकी टाइमिंग होगी। तो अपने फेवरेट टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक कर दें, फिर आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वरना आप वीडियो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके सारी इस वीक की अपडेट्स कवर कर देगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कुछ एनिमेटेड मूवीज के सीक्वल को लेके। तो पहले आता है द बॉस बेबी का सीक्वल, जिसका टाइटल कंफर्म किया गया है फैमिली बिजनेस, और इसका प्लॉट भी कंफर्म कर दी गई है। पहले आप कास्टिंग देख लीजिए, इसमें बड़ी कास्टिंग होने की ये वजह है क्योंकि इसका प्लॉट ही बड़े कमाल का है और अलग है। या तो टिम और टैड बड़े हो चुके हैं, अडल्ट हो चुके हैं। टिम जो है अब एक शादीशुदा बाप है और टैड किसी फाउंडेशन का CEO है। ये दोनों अब अलग अलग हो चुके हैं, ऑफकोर्स बड़े हो चुके हैं। तो अब कुछ ऐसा होता है जो कि इन दोनों को साथ ले आता है और इसे इंस्पायर करता है फैमिली बिजनेस के लिए। और यहाँ पे दूसरी जो एनिमेटेड मूवी आती है वो क्रूड आती है। आपका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्रूड मूवी बहुत अच्छी थी और मैं कब से इसके लिए वेट कर रहा था। फाइनली इस मूवी का पोस्टर हमारे सामने आ गया और टाइटल है द क्रूड्स न्यू एज। और यहाँ पे इसका ट्रेलर मंडे को, मतलब कल, हमें देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लेके, क्योंकि रिसेंटली राइज्ड बाय वुल्फ जो कि HBO मैक्स की नई सीरीज़ है, जिसका ट्रेलर मैंने देखा था, बड़ा अच्छा था। और कमाल की बात ये है, इसमें वाइकिंग के मेन लीड एक्टर भी हैं, तो स्पेशल बातें होगी। तो इसका जो सीज़न 2 है वो रीन्यू कर दी गई है। अगली अपडेट भी अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ही है। तो मुलान और टेनेट मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये VOD और थिएटर्स वाला क्या चक्कर चल रहा है, कैसे कलेक्शन ये मूवीज़ कर रही हैं। तो पहले टेनेट की बात कर लेते हैं। टेनेट मूवी ने जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं वो 200 मिलियन प्लस हैं, जो कि मेरी नज़र था तो ठीक है, पर स्टूडियो की नज़र से ठीक नहीं है। मेरी नज़र से इसलिए ठीक है क्योंकि अभी हालात इतने बेहतर नहीं हुए, काफ़ी थिएटर्स अभी बंद ही हैं, तो फिर ऐसे ही बॉक्स ऑफिस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे निकल गए हैं अगर कंपेरिजन किया जाए न्यू म्यूटेंट्स मूवी से। और अगर मुलान मूवी की बात की जाए, तो मुलान मूवी अब कुछ कुछ थिएटर्स में रिलीज़ होने लगी है, हमारे कुछ पाकिस्तान के थिएटर में भी रिलीज़ हो रही है। इस मूवी के थिएटर्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वो 20 मिलियन के निकल के आए हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं है। पर इस मूवी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, मतलब VOD डिजिटल प्लस के प्रीमियम सेक्शन में इस मूवी ने काफ़ी ज़्यादा कमाल दिखा दिया। तो एक प्रॉब्लम की बात करते हैं, स्टूडियो अपने जो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना वो शेयर नहीं कर रहे, और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है हम श्योर नहीं है कि वो सही बता रहे हैं या गलत। पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मेरा अंदाज़ा है कि जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो सही है। तो सिम्बा TV की तरफ से ये रिपोर्ट निकल की आई थी कि इस मूवी के पहले 4 दिनों में 1.12 मिलियन लोगों ने डिज्नी प्लस के प्रीमियम सेक्शन से इस मूवी को खरीदा, जिसके डोमेस्टिक कलेक्शन बने $33.5 मिलियन, जो कि बहुत अच्छी रकम है। और अब इस मूवी को 2 हफ्ते से भी ज़्यादा रिलीज़ हुए हो गए हैं। तो यहाँ सैन पार्क डाटा की तरफ से ये निकल के आया है कि इस मूवी को US और USA में इस मूवी को 9 मिलियन लोगों ने खरीदा है, और इस मूवी के कलेक्शन जो बनते हैं वो बहुत ही इंसेन है, वो है $261 मिलियन, जो कि इसने सिर्फ VOD में कमा लिया। और VOD में कमाने का एक बड़ा बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरे की पूरी रकम आपके हाथों में आती है, मतलब कि मूवी सिर्फ 2 जगह रिलीज़ हुई, इतनी बड़ी रकम कर दी। सोचिए कि दूसरी कंट्रीज़ और दूसरी जगहों में कितने ज़्यादा कलेक्शन इसने किए होंगे। और अगर आप थिएटर्स में रिलीज़ करते हैं तो प्रमोशन आर्ट्स के और जो थिएटर्स को पैसे देने होते हैं, फिर वो डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग जगह। तो मे बी ये रिपोर्ट सच हो सकती हैं, क्योंकि अगली जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो इसी से रिलेट करती है। अगर मुलान मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है तो इसलिए शायद डिज्नी अपनी आने वाली नई एनिमेटेड मूवी सोल को भी डिज्नी प्लस में फेंक दे। अब ये पता नहीं कि वो प्रीमियम सेक्शन में आएगी या फिर वैसे ही आएगी, पर अगर इसके अंदाजे लगाए जाएं तो मेरे ख्याल से ये सच हो सकते हैं। अगली अपडेट है, यहाँ पे जार लूटर ने अपनी मस्कुलर शेप शेयर की है कि वो ट्रोन 3rd मूवी में ऐसे दिखने वाले हैं। अगली अपडेट जो कि मार्वल की अपडेट है, आप सबको पता चल ही होगी कि लवक्राफ्ट कंट्री के यहाँ पे स्टार जोनाथन मेजर आंटमैन 3 मूवी में कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करेंगे, जो कि कॉमिक बुक में एक और बड़ा विलन था। इसके काफ़ी ज़्यादा वर्जन थे, ये काफ़ी नामों से जाना जाता था क्योंकि ये टाइम ट्रैवलिंग करके काफ़ी ज़्यादा सेंचुरीज होता रहता था, अपने अलग अलग वर्जन बनाता रहता था। कॉमिक बुक में सुपर हीरोज को इसने बड़ा परेशान किया, प्रॉब्लम बड़ी फेस की है टाइम ट्रैवलिंग में गड़बड़ी करना, ये टाइम ट्रैवलिंग के नाम से बहुत जाना जाता है। और आपको सबको पता होगा कि एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवलिंग की, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इसी तरह का कोई टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड हमें विलन देखने मिलेगा। हम अंदाजे लगा रहे थे कि शायद डॉक्टर डूम हो सकता है या फिर हमें ग्लेक्टर्स देखने मिल सकता है, मे बी वो भी विलन हो सकते हैं इस अगले फेजेस में, क्योंकि मे बी मल्टीपल बिग विलन्स हमें इस अगले फेजेस में देखने मिल सकते हैं, पर कैंग उनमें से एक होगा। आंटमैन 3 मूवी के डायरेक्टर ने पहले काफ़ी ज़्यादा डिटेल शेयर की थी, जो कि इस मूवी को बड़ा बता रही थी। और यहाँ पे कुछ रूमर्स भी आए थे कि यंग एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर जैसे करेक्टर इस मूवी में हमें देखने मिल सकते हैं, और अब इसमें कैंग का नाम भी जुड़ चुका है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, तो शिया हल्क की सीरीज के प्रोडक्शन को लेकर ये द डायरेक्टर वाला की तरफ से ये रिपोर्ट निकल के आई है कि इस मूवी का प्रोडक्शन कम फरवरी के महीने स्टार्ट हो जाएगा। इस मूवी को डिज्नी प्लस में हम 2021 के एंड में या फिर 2022 के शुरू में देख सकते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर केट कन्फर्म हो चुकी हैं। इस मूवी की जो मेन लीड एक्ट्रेस हैं वो भी कन्फर्म हो चुकी हैं, जो कि हैं
टेटिना मैसलिनी, और ये कंफर्म हो चुका है जी, खुश हो जाओ। यहाँ पे मार्क रफलो ने खुद उन्हें अपनी फैमिली में वेलकम किया है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे मिस मार्वल की सीरीज से रिलेटेड अपडेट है। आपको पता है कि जब सीरीज वगैरह बनती हैं तो उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर नहीं जुड़ते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल एपिसोड डायरेक्ट करने पड़ते हैं, तो सीरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टर लेने पड़ते हैं। इसी तरह पहले से दो जो डायरेक्टर थे मिस मार्वल की सीरीज़ के लिए, उसमें इजाफा हो गया और दो और न्यू डायरेक्टर्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुकी हैं। अगली अपडेट है यहाँ पे फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ को लेकर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लीक इमेजेस उसकी निकल के आ रही है। यहाँ पे हम बैटरो का करेक्टर भी देख सकते हैं, जिसे लास्ट टाइम हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में देखा था, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सीरीज हमें 2020 में देखने नहीं मिलने वाली। पर गुड न्यूज़ ये है कि वंडर विजन की सीरीज हमें 2021 दिसंबर के महीने में देखने मिल जाएगी। इसकी शूटिंग काम थोड़ा सी था जो कि कंप्लीट हो चुका है। डिज्नी प्लस ने खुद कन्फर्म किया है कि इसी साल हमें ये सीरीज देखने मिलेगी। अब बात करते हैं ब्लैक विडो के वीओडी के सिस्टम को लेकर, तो मुलान का आपने पीछे वीडियो में देख लिया होगा कैसा रिस्पॉन्स है, पर फिर भी यहाँ पे ये रिपोर्ट निकल के आई कि डिज्नी की ब्लैक विडो मूवी अब डिले हो सकती है। डिज्नी अभी सोच रही है इसके बारे में, तो यहाँ पे डिले होने की नहीं आनी चाहिए थी रिपोर्ट, बल्कि ये रिपोर्ट आनी चाहिए थी कि मे बी हमें ये मूवी वीओडी में देखने मिल सकती है। तो माजरा समझ नहीं आ रहा, अगर ये मूवीज वीओडी पे अच्छा रिस्पॉन्स कर रही हैं तो क्यों ब्लैक विडो मूवी को डिले करने का सोचा जा रहा है? तो इस मूवी को भी वीओडी पे डाल देना चाहिए, क्यों थिएटर्स में रिलीज करने के पीछे पड़े हो? तो कुछ सिचुएशन अजीब सी है। अब चलते हैं डीसी की अपडेट की तरफ। तो डीसी का फैंडम इवेंट हुआ था, उसका पार्ट 2 12 नवंबर को हुआ था, जिसके ऊपर मैंने कोई अलग सी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उसमें अपडेट्स ही बड़ी थोड़ी थी, तो मैंने सोचा कि आई एम एन के एपिसोड में डाल दूंगा। तो वही अपडेट्स की तरफ चलते हैं। इसमें पहली अपडेट आती है कुछ टाइटल्स को लेके, जैसे यंग जस्टिस के सीजन 4 को लेके इसका टाइटल कन्फर्म हो चुका है। फिर आता है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी को लेके, तो इस मूवी का जो नया पोस्टर निकल गया है उसमें हम देख सकते हैं कि जस्टिस लीग डायरेक्टर कार्ड लिखा हुआ है, तो पता नहीं क्या टाइटल है इस मूवी का। अब चलते हैं फ्लैश मूवी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर, क्योंकि बारबरा जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर है उन्होंने ये कहा है कि ये मूवी सब कुछ रीस्टार्ट कर देगी, और फ्लैश एक ब्रिज है हर एक अलग डीसी करेक्टर के और टाइमलाइन के बीच। और एक बात ये भी कही है कि इस मूवी में हमें डिफरेंट डीसी के करेक्टर फीचर होते हुए नजर आएंगे। अब इन बातों को मैं अच्छे से समझाने लगा, आप गौर से सुनिएगा। पिछले वैसे एक आई एम एन के एपिसोड में मैंने ये थ्योरी पेश कर दी हुई थी, पर अब मैं जल्दी से शॉर्ट वे में जल्दी से आपको समझा रहा हूँ। तो आपको पता है कि जस्ट लीग मूवी की टाइमलाइन क्या है, और जैक स्नाइडर की जो जस्ट लीग मूवी आने लगी उसकी टाइमलाइन क्या है, और उससे कौन कौन सी डीसीईयू की मूवीज कनेक्ट होती हैं, जो सुसाइड स्क्वाड की मूवी आई हुई है और जो सुसाइड स्क्वाड 2021 मूवी आनी है उसकी टाइमलाइन क्या है, वो कौन कौन सी डीसीईयू की मूवी से कनेक्ट होती है, उसमें कौन कौन से करेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जो वंडर वुमन 84 मूवी आ रही है क्या वो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी की टाइमलाइन में है, या फिर पुरानी जोस वीडन की जस्टिस लीग मूवी की टाइमलाइन में है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई हुई है। शज़ाम ले लें, ब्लैक एडम ले लें, काफ़ी ज़्यादा डीसीईयू के करेक्टर्स हैं, जैसे हार्ली क्विन को ले लें, उसको लेकर कितनी कन्फ्यूजन हुई है। आपको इन द बैटमैन मूवी को लेकर कन्फ्यूजन हुई है, उसका एक अलग यूनिवर्स है पर वो किस टाइमलाइन में है, क्या वो डीसीईयू के दूसरे करेक्टर्स या फिर दूसरी मूवी से कनेक्ट होती है कि नहीं। तो फ्लैश एक ब्रिज है जो इन सारी मूवीज़ को जोड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा कौन कौन सी टाइमलाइन में कौन कौन सी मूवीज़ आती हैं, कौन कौन सी टाइमलाइन एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, और क्या क्या सिस्टम है, किस किस मूवी को कनेक्ट करके नए करेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। तो फ्लैश मूवी है ये सब कुछ जो कंट्रोल करने वाली है, समझाने वाली है। तो फ्लैश मूवी को बहुत ही डिटेल में बहुत ही फोकस करके बनाना पड़ेगा, और हर एक पिछली डीसीईयू की मूवीज़ को ध्यान दे रख के बनाना पड़ेगा, और आने वाली मूवीज़ को भी। तो यहाँ पे रिसेंटली ये भी रिपोर्ट निकल गई थी कि हेनरी कैवल को काफ़ी सारी नई मूवीज़ के लिए साइन कर दिया गया। इसमें 3 कैमियो मूवीज़ होने लगी हैं और 2 सोलो मूवीज़ होने लगी है। सोलो मूवीज़ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मैन ऑफ स्टील 2 या फिर मे बी जस्टिस लीग हो सकती है मे बी। और कैमियो की बात करी जाए तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, बस यही कंफर्मेशन आई है कि साइन किया उन्होंने, पर अंदाजे हम ये लगा रहे हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ में साइन किया होगा। तो जो कैमियो वाली मूवीज़ हैं मे बी ब्लैक एडम मूवी में उनका कैमियो देखने मिल सकता है, शज़ाम 2 में तो मेरे ख्याल से कन्फर्म ही समझिए, और ये तीसरी मूवी फ्लैश मूवी हो सकती है, क्योंकि जैसे कि बारबरा ने कहा काफ़ी ज़्यादा डीसी क्रिएटर हमें इस मूवी में फीचर होते हुए नजर आएंगे। अब ये जो फ्लैश की ब्रिज मूवी आने लगी है जिसका ब्रिज ही फ्लैश है, तो इसमें माइकल कीटन वाला बैटमैन और बेन एफ्लिक वाला बैटमैन भी आता है, तो काफ़ी टाइम ट्रैवलिंग, डायमेंशन ट्रैवलिंग और काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमें इसी मूवी में देखने मिलने वाली है। तो इसीलिए उन्होंने कहा डीसी के फैंडम इवेंट में कि ये मूवी सब कुछ रीस्टार्ट कर देंगे। डीसी फैंडम इवेंट में हमें एक नई एनिमेटेड मूवी की अनाउंसमेंट देखने मिली है, उसका टीजर देखने मिला है, उसका टाइटल भी कन्फर्म ही है मेरे ख्याल से, डीसी सुपर पेट्स। आपको नहीं पता तो इसकी कॉमिक बुक भी आ चुकी है, काफी लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो एक्चुअली ये हमारे डीसी के सुपर हीरोज के पेट्स की स्टोरी होती है, इसका प्लॉट भी निकल के आ चुका है इस एनिमेटेड मूवी का, कि जो हमारा सुपरमैन है वो वोकेशन में है, तो हमारा क्रिप्टॉन जो कि सुपरमैन का पेट डॉग है वो फ्लाइंग कैट के साथ मिलकर सुपर विलन्स को हराएगा और दुनिया को बचाएगा।
सिंपल सा प्लॉट पर। इसका टीजर आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहाँ मैंने डाल दिया था। और अब आती है एक बैटमैन का फैन पोस्टर, और आता है CW के सुपरमैन की नई सूट का लुक कंसेप्ट आर्ट, जो कि सुपरमैन एंड लुइस जो कि उसका खुद का सोलो शो है उसमें हमें देखने मिलेगा ये। तो ये था सब कुछ डीसी फैंडम इवेंट से रिलेटेड। अब आ जाते हैं वीक के अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पे दासू से स्क्वाड का प्लॉट है माना जा रहा है कि लीक हो चुका है, और जो प्लॉट निकल के आ रहा है हमारे सच को यकीन में बदलता है, क्योंकि अमेंडा यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड की टीम को एक आइलैंड में भेजने लगी असैसिनेट करने के लिए, और वहाँ पे स्टारो प्रिजन होता है जो कि वहाँ से एस्केप हो जाता है। अब सुसाइड स्क्वाड की टीम को मिलकर उसे बाहर निकलने से रोकना होगा, मतलब स्टॉप करना होगा उसे, और स्टारो हमारा मेन विलन आ गया ना। इसी तरह की क्रेजीनेस चीज़ हमारे जेम्स गन ही सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, तो जेम्स गन के लिए ये मूवी बिल्कुल परफेक्टली सूट करती है, इसलिए उन्होंने किसी वजह से इस मूवी को चूज़ किया है। और हमारे किनमैन ने यह भी कहा है कि मूवी काफ़ी ज़्यादा आर रेटेड होने वाली, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेक्स सीन्स, वॉयलेंस और खून खराबा इस मूवी में हमें देखने मिलने वाला है। तो ये मूवी बड़ी मजे की होने वाली है। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फेक रूमर्स जो पहले हुए थे उन्हें मैं बता दूं पहले। तो रूमर्स ये निकल के आए थे कि वार्नर ब्रदर्स जोकर के 2 और सीक्वल बना रहे हैं, इसके लिए $50 की रकम जैकन फिनिक्स को ऑफर की गई। तो मेरे ख्याल से 3 के ऐसी वेबसाइट मुझे याद हैं जो कि फेक न्यूज़ देती हैं, उनमें से एक यही वेबसाइट है जहाँ से ये रूमर्स निकल के आए हैं। तो बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए इस रूमर्स का, और आगे शेयर भी मत कीजिए। तो मुझे पता है इस तरह की फेक न्यूज़ सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, चाह करता है यार फैलाऊँ आगे बड़ी अच्छी न्यूज़ है, पर ये फेक एक्चुअल में। तो ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। आपका जो मूड सैड हुआ था खुशी कर देता हूँ, हमारे रॉबर्ट, हमारा बॉय रॉबर्ट सेफ है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सड़कों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनका जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। द बैटमैन मूवी का प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट होने वाला है, हमें और बैटमैन से रिलेटेड लीक इमेजेस और लीक इन्फो देखने मिलेगी, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब अगली अपडेट है जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा IMNU से अवॉइड कर रहा था, नहीं डालने की, नहीं बात करने की कोशिश कर रहा था, पर अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे बात करनी पड़ेगी। तो जेसन मोमोआ ने खुद फॉर्म की है कि फ्रॉस्टी द स्नोमैन मूवी जो कि वार्नर ब्रदर्स ने खुद अनाउंस की थी वो एक फेक स्टंट था, सिर्फ वार्नर ब्रदर्स वर्सेस रे फिशर से हटाने के लिए उन्होंने इस मूवी की अनाउंसमेंट की, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जेसन मोमोआ उस मूवी के लिए कास्ट नहीं किए गए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा वार्नर ब्रदर्स के अंदर। तो ये फेक था, और मैं अपने चैनल को फेक न्यूज़ से बचाने की कोशिश कर, और वार्नर ब्रदर्स वाले खुद ही फेक न्यूज़ फैलाई जा रहे हैं, बल्कि अनाउंसमेंट ही फेक कर दी। अब ऑफिशियल वेबसाइट अगर फेक चीज़ें करेगी तो मैं अपने चैनल को किस तरह फेक चीज़ों से बचाऊँगा। मैं यहाँ ऐसे रूमर फीचर करता हूँ जिसके पॉसिबल होने की यहाँ पे चांसेस हो, या फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जो कि ऑफिशियल हो, इस तरह की चीज़ें शेयर करता हूँ। और यहाँ पे ये वार्नर ब्रदर्स जो कि ऑफिशियल हैं उन्होंने खुद ही फेक चीज़ें फैलाई हैं, तो ऐसा तो यार नहीं ना चलेगा। तो यहाँ हमारे रेड वुल्फ पाकिस्तानी भाई हैं, उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं नहीं बनाऊँगा फ्यूचर में, ना ही इधर बात करूँगा, तो आप उनकी वीडियो जाके देख लीजिए, सारी सिचुएशन के बारे में आपको डीपली पता चल जाए। तो मेरे ख्याल से इतनी थी वीडियो। तो ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरा चैनल को लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर मावडी से दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स रेगुलर मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।